रघुनाथ जी के जीवन में चरित्र का नियम था कि सबसे पहले उठकर के वो क्या करते थे, माता पिता और गुरु को प्रणाम करते, अपने बच्चों को झुकना सिखाओ। एक बार हम अमेरिका गए, एक घर में ठहरे, तो 3 दिन बाद तो पता लगा इनके बच्चे भी हैं। एक दिन बच्चा निकला मेरे बगल से और उसके बाद में जाने लगा, तो माता जी रसोई घर में काम कर रही थी, हम वहीं पर बैठे हुए थे, अमेरिका में उनके घर में रुके थे। उन्होंने जो ही देखा तो बच्चे से कहा, अपना नाम लिया, अरुण, टच स्वामी जी फीट, स्वामी जी के चरणों को स्पर्श करो। तो लड़के ने पूछा, भाई व्हाट हैपेंड, क्यों क्या हुआ, क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं था। उसको लगा ये आश्चर्य कि आज के आप भारतवर्ष के बच्चे को नहीं भी सिखाया हो तो भी अगर कहो तो वो जान जाएगा कि महात्मा है, इनके पांव छुए जाते हैं। वो बेचारा अमेरिका था, कहता भाई व्हाट हैपेंड, न्यूजर्सी की बात है, शहर का नाम लेंगे तो हमसे बाद में कहेंगे महाराज तो मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य, तो उसके बाद में उस बच्चे ने पांव छुआ। कैसे पांव छुआ, आज ही देख रहे थे किसी बच्चे ने पांव छुए थे। एक नई सभ्यता पैदा हुई है प्रणाम करने की। अब बच्चे बेचारे कमर में दर्द होती, नीचे तक झुक नहीं पाते। सो ये हाथ होता ना, ये हाथ कहते ना उल्टे मार देंगे, सो वो पांव में ऐसे उल्टे हाथ मार देते, उल्टा हाथ ऐसे घुटने से। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण और बलराम ने कैसे माता पिता को सरसा स्पर्श पा रहे हो, सिर उनके चरणों में रखा, वसुदेव और देवकी के सिखाओ, सिर रखना दिखाओ, सिखाओ, माथा हाथ नहीं लगाया। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता है गुरु नावहे माथा। अब महाराज उस लड़के ने भी प्रणाम किया, सो उल्टा यहां से मारा, उसके हाथ में अंगूठी थी सोने की, पत्थर जड़ी हुई हमारी हड्डी पर टकरा गई, हम कह भी नहीं पाए कि दर्द हुआ। दूसरे दिन श्रीमान जी वो लौट रहा था बच्चा, और फिर माने कहा टच स्वामी जी फिट का, ऑलरेडी आई हैव डिड, मैंने पहले ही कर लिया। बोले कब, बोले कल तो मैंने पांव छुए थे। यहां पर राम कथा सुनाती है कि प्रतिदिन प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, बच्चों को सिखाओ, तभी उनकी पूज्य बुद्धि आपके अंदर में होगी।